करियो। एक सेकंड कोई बात रह गई मैं आपके अभी हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का आपदा चल रही है। मैं मेरी एक महीने की तनख्वाह इसमें मतलब आपदा कोष में देना चाहता प्रधानमंत्री आपदा कोष में। धन्यवाद जी, सोच के रहना है, मौका एक ही बार मिलता है ना। श्री नारायण लाल पंचारिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय मैं समझता हूं कि आज का दिन मात्र आभार व्यक्त करना धन्यवाद ज्ञापित करने का ही है, लेकिन मैं सत्य बात बता रहा हूं, मुझे आज अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई रिटायरमेंट हो रहा है। सत्यता है ये कि हम पार्टी के अनुशासित सिपाही है, हम एक कार्यकर्ता है। आज मुझे याद आ रहा है 2014 का वो दिन, सायंकाल करीब करीब 6:30-7 बजे होगी, मेरे पास बहुत सारे फोन आए चारों तरफ से और परिवार जन के पास भी फोन आए और ये बताया गया कि आपका टिकट राज्यसभा के लिए हुआ है। देखो मैं दिल की बात कहता हूं अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से। सत्यता यह है कि मैंने एक बंधु को जवाब यह दिया था कि भैया राज्यसभा पूरे देश का है क्या, सब आपका नाम आ रहा है। हमने कहा नारायण लाल देश में बहुत सारे होंगे, मैं तो नहीं हूं। सही कह रहा हूं इस प्रकार की जब बात कही। और जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का फोन आया मेरे पास और वो भी उन्होंने ये कहा कि मैंने अभी अभी सौदान जी को पूछा क्या रे उसको बताया कि नहीं, तो बोले कि नहीं, उन्होंने मुझे सूचना दी कि आपको राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया है, आप 27 तारीख को जयपुर आ जाइए। महोदय 25 जनवरी 14 से लेकर और ये जो 6 साल का कालखंड इस तेज गति से निकला कि कई राज्यों में चुनाव हुए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने, आदरणीय भूपेंद्र जी ने और पूरी टीम ने, राष्ट्रीय नेतृत्व में जब मैं यहां आ गया तो सभी प्रांतों में लगभग जहां भी चुनाव थे मुझे अवसर दिया। महोदय पूरी प्रमाणिकता से, ईमानदारी से, निष्ठा से परिश्रम करने का कार्य मैंने मेरे 6 वर्षों में पूर्ण किया। मुझे बहुत बहुत अच्छा इस बात का लगा कि मैं तो पहली बार सदन में आया था, मैं कोई प्रदेश में भी कहीं कोई मंत्री नहीं, उसके बावजूद भी मेरी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी नेताओं ने मिलकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मुख्य सचेतक चीफ व्हिप का दायित्व दिया। मैं सही कह रहा हूं कि उस दिन मुझे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, मैंने कहा ये क्या, ये कौन सा दायित्व, कैसे करूंगा, परंतु सहयोग समर्थन सबका रहा, सबका, मेरी पार्टी के नेताओं का और विपक्ष के विशेष करके और अग्रिम पंक्ति में जो नेतागण है सबसे मैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। एक कदम और आगे बढ़ के मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति जी कि आपने मेरे को इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया। उसका लाभ ये हुआ जितनी पार्टियों के जो नेता है, आनंद जी से लेकर, डायरेक जी से लेकर, प्रसन्नाचार्य जी से लेकर, सब नेता, नवनीत किशोर जी से लेकर सब नेताओं के साथ बहुत कुछ सीखने का, समझने का और अवसर मुझे जो मिला तो मैं दिल से, हृदय से आज धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा साहब का, नेता हमारे सदन के आदरणीय थावरचंद जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का, और हरिवंश जी ने तो इतना ख्याल रखा कि 5 मिनट भी अगर नहीं होता तो शायद वो ढूंढते कहाँ हैं, कहाँ गए। और विशेष करके एक महत्वपूर्ण विषय मेरे को अलर्ट रखने का काम जयराम रमेश जी ने जरूर किया कि वो सदन पे नियमित बैठते, 2 बातों का ध्यान रखते, कोरम है या नहीं, और दूसरा यहाँ पर
कैबिनेट मंत्री है या नहीं, तो एक दो बातों का विशेष ध्यान रख के मुझे पूरा एक्टिवेट इन्होंने भी रखा। तो श्रीमान मैं ज्यादा समय न लेके ये जरूर कहूंगा कि मैं बड़ा बड़ा सौभाग्यशाली इस बात का हूं कि बचपन से बहुत छोटी सी उम्र में 18-19 वर्ष की उम्र में और जब हम आपातकाल में जेल गए थे तब से लेकर मेरी यात्रा शुरू हुई तब से एक मन में एक धारणा थी, नारा लगाते थे एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। सत्यता यही हुई कि जो नारा हम उस जमाने में लगाते थे पता नहीं कितने कितने हमारे नेता दुनिया देश में आज नहीं है चले गए, उन सब के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370-45A का जो विधेयक आप सभी के सहयोग से जो पारित हुआ उससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। आदरणीय सभापति जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, पेशे से मैं वकील हूं, आपातकाल में जब मैं जेल गया था तो उस समय था कि जेल से बाहर आओगे क्या करोगे, सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी। सर मैंने उसी समय तय कर लिया था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैंने वकालत की, वकालत शुरू की, मेरी पार्टी ने मुझे संगठन में राजनीतिक क्षेत्र में संगठन मंत्री का दायित्व दिया, मूलतः बचपन से शमशोगी रहा हूं, संघ का दायित्व वर्षों तक रहा। ये पगड़ी जो है राजस्थानी इसका राज भी बता दूं सर, ये मैंने क्यों धारण की, जब मैं यहां आया एक मन में एक भाव था, मेरा प्रथम भाषण आप देखेंगे उसमें भी मैंने एक निवेदन किया था, उस समय गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, मैंने कहा था कि मेरी ये राजस्थानी भाषा इसको 8वीं अनुसूची में ले पूरा विवरण करके उसमें शून्यकाल में और हर बार मैंने इसको उठाया निवेदन किया। तो आपके माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि आज गृह मंत्री जी यहाँ पर विराजमान है, जो वरिष्ठ नेता है इसकी तरफ गौर करेंगे, मात्र इसीलिए पगड़ी धारण की। मैं कोई कोर्ट में पगड़ी पहन के नहीं जाता था, मगर सदन में एक भी दिन 6 साल में कभी भी बिना पगड़ी के नहीं आया, यही मन में भाव लेकर कि इसकी तरफ भी ध्यान देंगे, आप भी उसको महत्व देते हैं क्षेत्रीय भाषाओं को, तो श्रीमान राजस्थानी के अतिरिक्त और जो भी क्षेत्रीय भाषा है उनको मान्यता देने का श्रम करेंगे। आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः सभी मेरे पक्ष के विपक्ष के सभी साथियों को हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती त्रुटि हो गई है तो आप मुझे क्षमा करेंगे, सभी मेरे और साथियों का और हमारे SD साहब से लेकर संपूर्ण मेरे जो अधिकारी गण हैं, जो कर्मचारी गण हैं, राज्यसभा के सुरक्षा के कर्मी हैं और जो सेंट्रल हॉल में जो सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद पंजारिया जी। डॉक्टर सत्यनारायण जेतिया।